हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 10 को आज हम लोग पढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है इमर्जेंस ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। जो स्वतंत्र राज्य थे उनका कैसे इमर्जेंस हुआ, वो कैसे अस्तित्व में आया, इसके बारे में पढ़ेंगे। वी विल लर्न, हम लोग स्टडी करेंगे द लेटर मुगल्स। मुगल के बाद किसका रूल आया, फिर बंगाल के बारे में पढ़ेंगे, अवध के बारे में पढ़ेंगे, हैदराबाद, सिख्स, मराठास, राजपूत, मैसूर, द जाट्स एंड द पेशवास। तो इनके बारे में हम लोग विस्तार से ब्रीफ में पढ़ेंगे। तो द लेटर मुगल्स देखते हैं। द मुगल एम्पायर हैड नीटेड द होल कंट्री इनटू वन सिंगल यूनिट। जो मुगल साम्राज्य था उसने सारे देश को एक इकाई में बांटा था, यानी कि उन्होंने सारे भारत को एक कर दिया था। द डेथ ऑफ द एम्परर औरंगजेब लेड टू अ स्टेडी डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। और जब औरंगजेब का डेथ हुआ तब जो मुगल एम्पायर था उसका पतन होने लगा स्टेडी जल्दी जल्दी। द रूल ऑफ ग्रेट मुगल्स स्टार्टेड विद बाबर एंड क्यूलमिनेटेड विद डेथ ऑफ औरंगजेब। जो ग्रेट मुगल साम्राज्य बहुत भारत पे लगभग 400 सालों तक राज किया और काफी शानदार उनका इतिहास रहा, जो कि बाबर से स्टार्ट हुआ था। बाबर मालूम है आपको, पानीपत के 1526 में जो युद्ध हुआ था उसके बाद उसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। उससे लेकर औरंगजेब के डेथ तक मुगल जो था काफी फला फूला। द सक्सेसर ऑफ औरंगजेब वेयर कॉल्ड द लेटर मुगल्स। और जो औरंगजेब के बाद जो भी उसके सक्सेसर्स आए, जो भी उनके संतान आए, पुत्र आए, उन्हें लेटर मुगल कहा गया। इन 1707 CE औरंगजेब सन बहादुर शाह केम टू द थ्रोन। और 1707 में जो औरंगजेब के जो बेटे थे बहादुर शाह, वो गद्दी पर बैठे। ही वाज टू इनकॉम्पोनेंट टू सप्रेस द मराठा एंड राजपूत। और वो इतने काबिल नहीं थे कि वो मराठों और राजपूतों की आवाज को दबा सके। ही वाज सक्सीडेड बाई जहांदर शाह इन 1712। और उनके बाद में जहांदर शाह जो है वो गद्दी पर बैठे 1712 में। अराउंड दिस टाइम सैयद ब्रदर्स द पावरफुल नोबल बिकेम वेरी पावरफुल एंड वेयर नॉन एज किंग मेकर। और उन्हीं के समय जो सैयद ब्रदर्स थे, दो भाई थे जिन्हें सैयद ब्रदर्स कहा जाता था, वो काफ़ी पावरफुल शक्तिशाली हो गए और उन्हें किंग मेकर्स कहा जाने लगा, यानी वो जिसे चाह जाते थे वही राजा बनता था। दे रिमूव्ड जहांदर शाह फ्रॉम द मुगल थ्रोन एंड मेड फारूकसियार द नेक्स्ट मुगल एम्परर। उन्होंने जहांदर शाह को गद्दी से हटा दिया और फिर फारूकसियार को अगला मुगल एम्परर बनाया। इन 1719 सैयद ब्रदर किल्ड फारूकसियार एंड मेड मोहम्मद शाह द मुगल रूलर ड्यूरिंग हिज रेन। नादिर शाह द रूलर ऑफ पर्सिया इन्वेडेड दिल्ली एंड कैरीड अवे लार्ज बूटी इंक्लूडिंग कोहिनूर डायमंड एंड पीकॉक थ्रोन। अब बाद में क्या हुआ, जो ये दोनों भाई थे सैयद ब्रदर, इन्होंने फारूकसियार को भी मार दिया और मेड मोहम्मद शाह द मुगल रूलर ड्यूरिंग हिज रेन, और मोहम्मद शाह को गद्दी पर बैठाया। नादिर शाह जो था पर्सिया का शासक था, उसने दिल्ली पर आक्रमण किया और अपने साथ कैरी डबे अपने साथ ले गया लार्ज बूटी, बहुत धन, जिसमें कि कोहिनूर हीरा भी था और पीकॉक थ्रोन जो मयूर सिंहासन था वो भी ले गए चला गया। मोहम्मद शाह वाज सक्सीडेड बाय अहमद शाह एंड आलमगीर सेकेंड। और मोहम्मद शाह के बाद उनके सक्सेसर बने अहमद शाह और आलमगीर सेकेंड। ग्रेजुअली इट लॉस्ट इट्स ग्लोरी एंड द एम्पायर बिकेम लिमिटेड टू ओनली अ फ्यू स्क्वायर किलोमीटर अराउंड दिल्ली। और धीरे धीरे क्या हुआ, उनका जो एम्पायर है वो काफ़ी लिमिटेड हो गया, कम हो गया, और बस उनकी जो एम्पायर था बस कुछ स्क्वायर किलोमीटर दिल्ली के पास ही फैला रह गया। पहले कहाँ, वो पूरे भारत पे नॉर्थ से लेके साउथ ईस्ट से लेके वेस्ट पूरे भारत पे रूल करते थे, लेकिन अब उनका जो एम्पायर है काफ़ी कम हो गया। इन 1803 द ब्रिटिश आर्मी ऑक्यूपाइड दिल्ली एंड द मुगल एम्परर बिकेम अ मेयर प्रिजनर। और 1803 में जो ब्रिटिश अंग्रेज थे उन्होंने दिल्ली पर हमला किया और मुगल एम्परर को कैदी बना लिया, बंदी बना लिया। द वार्स ऑफ सक्सेशन हैड बिकेम अ ट्रेडिशन अमंग द मुगल्स। और सक्सेशन के लिए जो
वॉर है वो भारत वो मुगलों का एक ट्रेडिशन बन गया था, द वार ऑफ सक्सेशन, यानी गद्दी पर बैठने के लिए जंग, गद्दी पर बैठने के लिए भाई ही भाई से लड़ पड़ते थे। तो ये भी एक कारण था उनकी डिक्लाइन का। दिस डिटोरिएटेड द पॉलिटिकल, आगे पढ़ते पहले ये देख लेते ये क्या है, मैप ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। देखिए मुस्लिम स्टेट, जितना ग्रीन से आपको दिख रहा है ये सारे मुस्लिम स्टेट थे, हैदराबाद के पास देख सकते हैं, यहाँ मुगल एम्पायर, कश्मीर, दिल्ली में। और ये जो हिंदू स्टेट है वो ब्लू जितने हैं, और ये ब्रिटिश टेरिटरी जितने भी रेड है आप देख रहे हैं, बंगाल में आ गए थे या श्रीलंका में, तो फिर एक सेकेंड हाँ, एंड द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द एम्पायर, और एम्पायर और फाइनेंशियल कंडीशन, आर्थिक स्थिति भी काफ़ी गड़बड़ा आ गई थी, चरमरा गई थी, क्योंकि इनके पहले जो शाहजहां थे वो कितने पैसे खर्च करके गए थे ताजमहल पे, तो इनकी आर्थिक स्थिति भी गड़बड़ा गई थी, टैक्स भी नहीं मिलता था, एम्पायर भी छोटा हो गया था। मैनी लोकल एंड रीजनल फोर्सेस स्टार्टेड इमर्जिंग इन इंडिया, और बहुत सारे जो लोकल फोर्स था, रीजनल फोर्स था, वो भी भारत में उभरने लगा। इन द 18th सेंचुरी अ लार्ज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एंड सेमी इंडिपेंडेंट पावर्स केम टू द फ्रंट लाइक बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर, मराठा किंगडम। और 18वीं सदी में बहुत सारे जो स्वतंत्र राज्य थे और सेमी इंडिपेंडेंट पावर थे वो बंगाल में, अवध में, हैदराबाद, मैसूर और मराठा किंगडम में उभरे। द ब्रिटिश हैड टू ओवरकम दिस पावर टू एस्टेब्लिश देयर एम्पायर इन इंडिया, और जो ब्रिटिश थे उनको इन सारे शक्तियों से लड़ना था ताकि वो भारत में अपनी अपने साम्राज्य की स्थापना कर सके। सम ऑफ दीज स्टेट्स हैड कम इनटू एग्जिस्टेंस बिकॉज ऑफ द ब्रेकिंग अवे टू द गवर्नर ऑफ द प्रोविनेंस फ्रॉम मुगल एम्पायर्स। और इनमें से कुछ राज्य ऐसे बने एग्जिस्टेंस, वो अस्तित्व में ऐसे आए क्योंकि जो गवर्नर है मुगल एम्पायर के, जो गवर्नर थे वो ब्रेकिंग अवे, यानी उन्होंने काम छोड़ दिया, जॉब छोड़ दिया, तो उस क्षेत्र में नए नए जो पावरफुल थे वो आगे। सम अदर स्टेट्स केम इनटू पावर बिकॉज ऑफ द रिवोल्ट बाय लोकल चीफ्स एंड जमींदार। और कुछ राज्य तब बने जब वहां के लोकल मुखिया नहीं या जमींदार ने विद्रोह कर दिया, तब वहां पे नए नए राज्य बनने लगे। बट अनफॉर्चुनेटली दे वेयर नॉट एबल टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ देयर स्टेट। वो तो अपना स्टेट बना लिए, कब्जा कर लिए, लेकिन दुर्भाग्यवश से अनफॉर्चुनेटली उनके पास इतना पैसा नहीं था, उनका इकोनॉमिक कंडीशन इतना अच्छा नहीं था कि वो अपने राज्य को इम्प्रूव कर सके। द लास्ट मुगल रूलर वाज बहादुर शाह जफर हु पार्टिसिपेटेड इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। और जो आखिरी मुगल शासक थे उनका नाम था बहादुर शाह जफर, जिन्होंने 1857 के क्रांति में भाग लिया। जो 1857 क्रांति के समय जो विद्रोही थे, जो रिबेलियन थे, उन्होंने बहादुर शाह जफर को बोला कि आप ही हमारे नेता है, और उनके लिए वो लोग लड़ने लगे। हेंस लेकिन ही वाज इम्प्रिजन, लेकिन उन्हें जेल में डाल दिया गया, इन रंगून के जेल में उन्हें डाल दिया गया, वेयर ही डाइड इन 1862, जहाँ पे 1862 में उनकी मौत हो गई। तो ये हुआ, हम लोग आज कुछ पढ़े कैसे जो अंग्रेज है वो भारत में आए और कैसे नए नए राज्य भारत में बने। कल हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, बंगाल के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।